वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से है। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा में जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। 25 प्रति अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि न दिए जाने से नाराज है डॉक्टर। शासन आदेश की प्रतिलिपि जलाकर जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने विरोध दर्ज किया है। 25% मानदेय सभी को मिले, सरकार नहीं कर सकती डॉक्टरों के साथ सौतेला व्यवहार। जिला चिकित्सालय के कर्मचारी संघ के अधिकारियों ने आज शासन के आदेश को लेकर काला फीता बांधकर विरोध दर्ज किया। डॉक्टर्स का आरोप है कि पहले तो सरकार ने 25% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने की बात कही, लेकिन जब मानदेय देने का समय आया तो सरकार ने डॉक्टरों के साथ सौतेला व्यवहार किया। जिला चिकित्सालय कर्मचारी संघ के अधिकारियों ने आज सरकार के खिलाफ काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। कोविड-19 महामारी में काम करने वाले कर्मचारियों को मुख्यमंत्री ने 6 मई को एक शासन आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था जो लोग कोविड-19 में अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं उनको मूल वेतन मानदेय पर 25% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लेकिन जब प्रोत्साहन राशि देने का समय आया तो सरकार ने डॉक्टरों के साथ सौतेला व्यवहार किया। चुनिंदा डॉक्टरों को ही इस लिस्ट में शामिल किया गया, केवल 6 वार्ड बॉय को इस सूची में रखा गया है। जिला कर्मचारी संघ के अधिकारियों ने सरकार के इस आदेश की प्रतिलिपि को जलाकर अपना विरोध दर्ज किया। डॉक्टर SP सिंह सेंगर ने कहा, जिला अस्पताल का हर कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर अपने परिवार की चिंता किए बिना कोरोना महामारी में जनता के लिए सेवा दे रहा है। अब ऐसे में प्रोत्साहन राशि देने का समय आया तो सबका सम्मान मिलना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम सब ने मिलकर कोविड-19 महामारी को हराने का प्रयास किया। साथ ही महामंत्री हरिओम यादव ने कहा कि सरकार को हमारी मांगे माननी होंगी, अगर सभी को 25% प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई तो आगे हम कार्य का बहिष्कार करेंगे और आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आगरा से हमारे सहयोगी अवधेश कुमार की खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर SP सिंह सेंगर, प्रभारी अधिकारी फार्मेसी एवं मुख्य संरक्षक जिला कर्मचारी संघ जनपद आगरा। आज हम प्रदर्शन इस वजह से कर रहे हैं कि हमारे सरकार के द्वारा हमारे कर्मचारियों के अधिकारियों के प्रति सौतेला व्यवहार किया गया है। अगर ये पूछा जाए क्या कुछ ही कर्मचारी अधिकारी कोविड-19 से संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उन्हीं कर रहे हैं, क्या और कर्मचारी नहीं कर रहे हैं? ये गवर्नमेंट ने लखनऊ में बैठे कैसे सोच लिया? क्या हम नहीं कर रहे हैं अपने बच्चों की, अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर, अपनी जान जोखिम में डालकर सुबह से आके रात रात तक हो जाती है, सब व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने चंद, अब मेरी जानकारी में आया कि आगरा जिले में मात्र 6 वार्ड बॉय के नाम है। क्या पूरे 6 वार्ड बॉय पूरे स्वास्थ्य विभाग को या अन्य कैडर में भी ऐसे ही कुछ कुछ ही नाम है? क्या 2-4 लोग ही पूरे कोरोना काल में ड्यूटी दे सकते हैं? क्या वही सिर्फ इलाज कर सकते हैं? क्या उन्हीं की गंभीरता है? तो ये सरकार को सोचना चाहिए, सभी का सहयोग है और सभी इसमें बराबर की भागीदारी दे रहे हैं। क्या मांग करते हैं सर? जान जोखिम में है, मांग क्या करते हैं सर इस समय? हमारी सरकार से यही मांग है कि प्रोत्साहन राशि सभी को दी जाए और अन्य जैसे हरियाणा का सुना था कि एक माह का वेतन, अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा, तो बिहार का भी है, तो उसी तरह यहाँ भी एक माह का अतिरिक्त वेतन देने की बजाय प्रोत्साहन राशि भी कुछ ही लोगों को दे के एक विभाजन वाली नीति का पालन किया, इसे न किया जाए, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए और प्रोत्साहन राशि सभी को दी जाए। मैं हरिओम यादव, महामंत्री, जिला चिकित्सालय कर्मचारी संघ जनपद आगरा। सरकार द्वारा जो प्रोत्साहन राशि हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई है वो कुछ ही लोगों को दी जा रही है। सरकार द्वारा जो सौतेलापन जो व्यवहार किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। प्रदेश के संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जो आह्वान किया गया है उसके उपलक्ष में आज दिनांक 25 मई 2021 को हम लोगों ने शासनादेश की प्रतिया जलाकर अपना प्रतीकात्मक विरोध प्रकट किया है और सरकार से मांग करते हैं कि हमारे यहाँ सभी फ्रंट वर्कर कार्यकर्ता हैं, चाहे वो संविदा कर्मी हो, चाहे आउटसोर्सिंग का कर्मचारी हो, चाहे ठेकेदारी पर कोई कर्मचारी हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सभी कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर, अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर कोविड में महामारी में कार्य कर रहे हैं और कई कर्मचारी हमारे इस कोविड के महामारी में दिवंगत हुए हैं। सर, अन्यथा की स्थिति में क्या किया जाएगा अगर मांगे नहीं मानी गई तो? यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है
तो हम आगे चल करके बड़ा आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार से मांग करते हैं कि अन्य राज्यों में जो एक माह का वेतन दिया जा रहा है वो एक माह का प्रोत्साहन राशि हम सभी कर्मचारियों को किसी भी कैडर का हो सबको देने की कृपा करें। ठीक है। मैं राकेश भाव विप्पल कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष जिला अस्पताल आगरा से हूँ और शासन का जो प्रोत्साहन राशि का जो शासनादेश आया है उसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं, उसकी प्रतिलिपि जला रहे हैं। ऐसे ही नहीं जला रहे, इसके लिए साथ हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। हमारा प्रत्येक कर्मचारी प्रत्येक अधिकारी फ्रंट लाइन का वर्कर होने के बावजूद कुछ ही लोगों को कुछ ही संख्या में ना के बराबर लोगों को ये राशि दी जा रही है जो ना काफ़ी है। हम चाहते हैं कि ये राशि 25% से बढ़ा के लगभग एक माह का वेतन दिया जाना चाहिए, ऐसी हमारी।